हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के वाओ क्रेडिट कार्ड एंड कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड। इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। बहुत सारे लोग FD पर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड परफेक्ट है। दोस्तों, मैं अगर इन दोनों क्रेडिट कार्ड की आपको एक बेसिक जानकारी दूं तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड FD पर मिलने वाले क्रेडिट कार्ड हैं और ये क्रेडिट कार्ड आपको डायरेक्ट बैंक से इशू होते हैं और यहां पर आपको वो सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाती है क्रेडिट कार्ड की जो आपको दूसरे क्रेडिट कार्ड पर मिलती है। और गाइस, इन क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए किसी प्रकार के सिविल की जरूरत नहीं होती है। आपका सिविल स्कोर अगर 0 भी है तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन क्रेडिट कार्ड से आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। और गाइस, यहां पर जो आप FD करते हो उस FD पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और जब भी आप इन क्रेडिट कार्ड को बंद करते हो तो आपको ब्याज सहित पूरा पैसा वापस मिल जाता है। चलिए आप बात करते हैं इन क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट की। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के वाओ क्रेडिट कार्ड से कोई स्पेंड करते हो तो यहां पर आपको 4x रिवार्ड पॉइंट तक मिल जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड पर आपको 2x रिवार्ड पॉइंट तक मिल जाते हैं। गाइस, IDFC फर्स्ट बैंक के वाओ क्रेडिट कार्ड पर अगर आप अपनी फर्स्ट EMI बनाते हो 30 दिन के अंदर तो आपको 5% के हिसाब से ₹1,000 तक का कैशबैक मिल जाता है वेलकम बेनिफिट के रूप में। कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 45 दिन के अंदर ₹5,000 स्पेंड कर लेते हो तो आपको यहां पर 500 रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं वेलकम बेनिफिट के रूप में। IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को अगर आप FD पर लेते हैं तो यहां पर आपको 100% लिमिट मिलती है, मतलब जितने की आप यहां पर FD करते हो उतनी लिमिट आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहां पर आपको 90% की लिमिट मिलती है। जो भी आप FD करोगे उसका 90% आपको लिमिट मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर आप 48 दिन के लिए विदाउट किसी इंटरेस्ट के किसी भी ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हो। IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, लेकिन इनका एक फीस है जो कि ₹199 एक बार आप विड्रॉल करते हो तो आपको लगता है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के FD वाले क्रेडिट कार्ड पर भी आप विदाउट किसी इंटरेस्ट के अपना कैश विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन इसका जो फीस है वो है ₹349 का आपको यहां पर चार्ज देना होता है कैश विड्रॉल फीस। इसके अलावा दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट मिल जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप ₹75,000 एक साल के अंदर स्पेंड कर लेते हो तो यहां पर आपको ₹750 का कैशबैक मिल जाएगा। गाइस, IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड लेने के लिए यहां पर आप जो FD करते हो तो इसमें आपको 6.75% का इंटरेस्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहता है। इसी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक के इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर आपको 5% से लेकर के 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। इंटरेस्ट जब आप FD कर रहे हैं उस समय चेक कर लीजिएगा कितना चल रहा है। गाइस, मैं अगर चार्ज की बात करता हूं तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं होता है, इन्हीं लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, ना तो कोई जॉइनिंग फीस होता है और ना ही कोई एनुअल फीस होता है। दोनों क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हैं। गाइस, इन क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अप्लाई करने की प्रोसेस की बात करते हैं तो अप्लाई करने के लिए दोनों ही क्रेडिट कार्ड का अलग अलग प्रोसेस है। जैसे कि अगर IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की बात करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपको दो तरीके से मिल जाता है। नंबर एक तो ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे तो आप डायरेक्ट क्लिक करके IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ₹2,000 की FD करोगे और ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। वीडियो के बाद ही आप करना होगा, अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी और 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक का कोई अकाउंट है तो भी आप इन क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। IDFC फर्स्ट बैंक के एप्लीकेशन में जाकर के आपको वहां पर सिक्योर कार्ड पर क्लिक करके इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना होता है जो कि इंस्टेंट ही आपको मिल जाता है। गाइस, अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की बात करूं तो इसे भी आप इनकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में तो उसे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, आप कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड इनके 811 एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हो। 811 एप्लीकेशन में आप जाओगे, वहां पर आप क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो या फिर आप ऑफर्स पर क्लिक करके प्री अप्रूव भी आपको मिला होगा तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। गाइस, IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए
आपके पास 2000 रुपए है तो आप एफडी करके इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको 5000 रुपए की एफडी पर मिलता है, तो 5000 रुपए की एफडी करके आप कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। गाइस अब फाइनली बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड परफेक्ट हो सकता है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपको 4x रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं और यहां पर आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का क्रेडिट कार्ड मिलता है। बाकी दोनों क्रेडिट कार्ड बढ़िया है, आपके लिए जो अच्छा लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।